और ये जी बच्चे बस यहाँ पे लगे हैं, मैं कलर वगैरह करने हैं, वाटर कलर ले आई थी दोनों के। अब जो चीज़ आमना के लिए लेकर आती हूँ वही इब्राहिम के लिए लेकर आती हूँ, बड़ा प्यारा खेलते हैं। उसके ऊपर 533 कमेंट्स आए हैं, ठीक है ओपन कर रही हूँ मैं, और इसमें से आप जो एक मैं सेलेक्ट करूँगी और प्लीज़ उसी पे सब्र शुक्र कीजिएगा। अच्छा मैंने कभी नेल्स नहीं लगाए, आज मैंने ये फर्स्ट टाइम लगाए हैं। और ये देखिए मजबूती इनकी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी बस हेल्प काफ़ी गई हैं, प्रेस कपड़े और हैंगर पे ये लगाने लगी थी। तो अच्छा जो जो मतलब हैंगर खाली होता जाता है ना, साथ साथ में बच्चे चेंज करते हैं या कोई भी चेंज करता है तो साथ साथ हैंगर पे लगा देती हूँ। हैंगर आप मंगवाने वाले हैं और यकीन करें कि कपड़े इतने हैं कि कपड़े में भी लटकाने की जगह नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं मैंने हेल्पर को भी बच्चों के दिए हैं और अपने भी दिए हैं, मुकदस के भी दिए हैं, तो फिर कुछ हैंगर खाली हुए हैं तो हो जाता है। अब बस ऊपर मुकदस के रूम से और अम्मी के रूम से लेकर आने हैं हैंगर और ये उस पर आ जाएंगे सारे कपड़े। तो चलें आज ही मैंने ना जो आप देशकी में आराम से चिकन जस्ट पीस बारबेक्यू स्टाइल में आप घर पे आराम से बना सकते हैं उसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आपको बना के छोटे मोटे क्लिप भी दिखाऊंगी। उसकी जो डिटेल में वीडियो होगी ना वो आपको शॉर्ट में मिलेगी, हाँ वहाँ पे देखिएगा। और बस वो करने लगी थी, तो चले आप ऐसे करती हूँ कि जैसे जैसे क्लिप शूट करूँगी वैसे वैसे जी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। ये जी अभी आए हैं बच्चे स्कूल से, और ये आमना को मैंने कलर्स का सरप्राइज दिया है क्योंकि रात को हम आए थे तो ये सो रहे थे और सुबह फिर चले गए थे स्कूल। और ये देखें इब्राहिम भी इधर कलर करने की कोशिश कर रहा है जी, पर वो चीज नहीं जा रहा, वो चीज बनाना है। क्या बनाना है? दूसरा ब्रश लेना जी। अच्छा मैं देती हूँ आपको दूसरा ब्रश आपका पड़ा हुआ, ठीक है। और ये जी बच्चे बस यहाँ पे लगे हैं, मैं कलर वगैरह करने हैं, वाटर कलर ले आई थी दोनों के। अब जो चीज़ आमना के लिए लेकर आती हूँ वही इब्राहिम के लिए लेकर आती हूँ, बड़ा प्यारा खेलते हैं दोनों। अच्छे आमनी, इनके पापा बैलून भी लेकर आए थे, उनके साथ भी खेलते हैं। दूसरा वो एक लेजर लाइट जो नहीं होती वो पता नहीं इब्राहिम ने कहाँ पर रखी है, मैम वो फिर दिखाती हूँ आपको। उसके साथ ये लियो और ये तीनों इतना खेल रहे हैं ना, लियो पीछे पीछे भागता है उसके। अच्छा ये जी आज अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो बाबा ने डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए आए हैं। बाबा ऊपर तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा टीवी देख रहे थे और मामा यहाँ पे स्पेशल खाना बना रही हैं। आप बताएंगी जी स्पेशल जो है ना, रेसिपी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अब इंशाल्लाह, रेसिपीज वगैरह साथ साथ में रिकॉर्ड करूंगी और शॉर्ट्स में ही शेयर करूंगी। यूट्यूब की वीडियो पे शॉर्ट्स में मैं रेसिपीज भी शेयर करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अलग से रेसिपी मिल जाए, ठीक है। व्लॉग जिनको नहीं भी पसंद चले, रेसिपी जो देखना चाहते हैं वो वहां से देख लें। और अभी बस चाय भी रखी है यहाँ पे साथ में, और साथ में जी ये जो जस्ट पीस होते हैं ना बारबेक्यू स्टाइल में ना वो बना रही हूँ। अब बस तकरीबन ये अब हमने पानी ड्राई करना है बस, ठीक है। ये एक साइड से हमने कुक कर लिए, अब दूसरी साइड से ये कुक हो रहे हैं। और बस दूसरी मैं बुलाई उतारने लगी थी और साथ में नान भी आ गए हैं और चटनी वगैरह भी बना दी है। अब बाकी का थोड़ा सा जो रह गया ना इसका काम वो इंशाल्लाह ये ड्राई होता है तो फिर करेंगे। और बस मलिक साहब भी आ गए हैं, वो भी चेंज कर रहे हैं, अब बाहर खाना रखेंगे। ये मलिक साहब ने अपनी प्यारी से चेक करवानी है, वो कह रहे हैं मुझे बिना ऐसे मतलब धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, तो मैंने उनको कहा है कि एक दफ़ा ना डॉक्टर से आप चेक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जी बस अब मैंने कहा पढ़ाई वगैरह उतारती हूँ, दूध से साथ में चाय भी बनाते हैं। तो बाहर ना मैं आपको बच्चों का फिर क्लिप दिखाती हूँ, इब्राहिम भी बाहर ही खेल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप ही हमारे साथ नेल्स फेक नेल्स इस तरह लगा सकते हैं, उसका थोड़ा सा शेयर कर दें। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये नेल्स रखे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह कॉस्मेटिक्स के हैं ये नेल्स, ठीक है। ऊपर इनका व्हाट्सएप पर नंबर, वेबसाइट का लिंक सारा और ये इंस्टाग्राम का भी दिया गया है, तो ये आप ना जहाँ पे भी आप ऑर्डर करना चाहें आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की ये पैकिंग में आपको मिलेंगी,
जो कि बहुत ज़्यादा हमें अच्छे और बहुत ज़्यादा वैरायटी में हमें ये नेल्स मिले हैं। यहाँ पे एक ग्लू की भी ऑप्शन होती है। ये मुकदस ने नेल लगाए थे और यहीं जैसे इसने कॉलेज जाना होता ना तो फिर ये ग्लू के साथ लगा के जाती है, तो इसलिए ये इसमें से ना ग्लू निकली हुई है। और इसमें आपको अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती है, जिस तरह के आपने छोटे कर लें, बड़े कर लें नेल, जिस तरह के आपने लगाने, इतने प्यारे डिज़ाइनिंग में मिल जाते हैं। मुझे ये वाले प्यारे लग रहे हैं सिंपल से ना, ये मैं आपको अपना लगा कर दिखाती हूँ। आपने ये स्टिक ऑन के साथ, ये स्टिकर के साथ लगाना है तो इसके साथ लगा लें, अगर आपने ग्लू के साथ लगाना है तो ग्लू के साथ लगा लें। अच्छा, मेरे जो नेल हैं ये आप यहाँ पे देखें, एक अच्छे खासे लंबे हैं। पहले हम इनको कट करें, वो एक नेल के नीचे से आपके ये नेल नज़र आएंगे, ठीक है। इनको पहले कट करना है अच्छे से, कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो ये स्टिकर है ना, ये हर साइज़ के हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, ठीक है। हुड पे लगाने के लिए भी होते हैं और हाथ पे भी लगाने के लिए होते हैं, जिस मतलब हर किसी का पता है, मेरे का साइज़ अलग होता है। मुकदस का छोटा है और मेरा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब मैं उस हिसाब का एक स्टिकर निकालूंगी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये एक स्टिकर ऐसे उतारना है हमने, अच्छे से इस तरह से लगाना है और इसको हमने ऊपर से उतार देना है। जैसे वो डबल साइडेड टेप नहीं होती, सेम ये वो वाली है, ठीक है। और अब हमने ये अपना नेल लिया और इसके ऊपर हमने ये छोटा बड़ा ये देख, ये अब हमने ऊपर से इसको प्रेस किया और ये इसके साथ ला के, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। नीचे करें उंगली, और देखें ऐसे हम करेंगे ना तो हमारा वो मतलब जो नीचे वाला नेल है, आगे तो मेरे बहुत लंबे थे वो नज़र आ रहे थे, अब वो इतना फील भी नहीं होगा। अच्छा, अगर आप इनकी शेप बनाना चाहते हैं ना तो नेल कटर के साथ आप गोल शेप या कोई भी आप इसको शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं सारे अप्लाई कर करना तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। भी नेल्स नहीं लगाए आज मैंने, ये फर्स्ट टाइम लगाए हैं। और ये देखें मजबूती इनकी, जितने मर्जी आप मारते रहे ना और ये उतरेंगे नहीं, ठीक है। और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, नेल बहुत अच्छे। थोड़ी सी आप इनके अगर शेप दे लेना, इनको शेप देना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, आराम से आप नेल कटर की मदद से इनको शेप भी दे सकते हैं और इनको उतारना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इधर है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जैसे कि नेल है, अब हमने साइड से सिर्फ ये नेल्स के साथ ऐसे हल्का सा ऊपर करना है, ये देखें ये देर लगती है। और ये इस तरह अगर बीच में ही लगी हुई है ना अगर आपकी, तो आप नमाज़ वगैरह पढ़ें, अपना आराम से वज़ू करें, बिल्कुल आपकी साफ़ हो गई है, आप बेशक आराम से अपना वज़ू करें, अपनी नमाज़ पढ़ें और उसके बाद कहीं आपने जाना है या कुछ है तो फिर आराम से आप फ़ौरन से ये लगा लें, ये फिर वैसे ही चिपक के वैसे ही मज़बूत हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब मैंने बड़ी डिटेल में आपके साथ व्यू इसका शेयर कर दिया। हाँ जी, हेलो, अपने में इंद्रा हो गया, हो गया जी, ये हम कदर से आ गया उसका, उधर चिकन अब ना आप इधर आओ, ब्रेम उधर चलो, उधर चलो ब्रेम, उधर कदर बहुत ही ज्यादा अच्छा मजे का बना हुआ है और मैंने आपको पीस करके दिखाया और इतना सॉफ्ट और नरम, अच्छा बिल्कुल नॉर्मल मसाले हैं। अगर आप कहेंगे ना कि बहुत ज़्यादा मसाले हैं, ज़रा भी ज़्यादा मसाले नहीं हैं कि कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाए, बड़े अच्छे नॉर्मल मसाले हैं। कुकिंग जो टाइम था इसका तकरीबन 15 से 20 मिनट था, उतना आपने लाजमी देना है, पहले आहिस्ता आँच पे बनाना है, फिर आप आँच तेज़ कर लीजिएगा, पास खड़े हो के बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा, अच्छे से बना है। और इसकी जो डिटेल रेसिपी है आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं मुझे ब्लॉग अपलोड किए हुए, यकीन करेंगे मुझे इतनी ज़्यादा मतलब बॉडी पेन और इतनी मौसम चेंज हो रहा है क्या है, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी ना, इतना ज़्यादा मुझे टम्परेचर था, तो जिसकी वजह से ना मैं वीडियो ना शूट कर सकी हूँ ना आपके साथ शेयर कर सकी हूँ, ठीक है। तो चलें अब विनर अनाउंस करना है, अभी मैं
रात का तकरीबन आप कर लें कि 1:45 बज रहे हैं अभी। मैं विनर मैंने कहा सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। उनका दसाओ आके दिखाओ। ये जी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपनी लास्ट वीडियो जो जिस पे मैंने गिव अवे लगाया था, उसके बाद अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और उसके ऊपर 533 कमेंट्स आए हैं। ठीक है, ओपन कर रही हूँ मैं और इसमें से आप जो एक मैं सेलेक्ट करूँगी और प्लीज़ उसी पे सब्र शुक्र कीजिएगा और 10 तक काउंटिंग करूँगी, जो आएगा वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह माने रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जी मलक अकील के नाम से हैं कोई जिनका एंड नाम आया बीच में। ठीक है, मैंने कहा था 10 तक मैं काउंटिंग करूँगी, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ वो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मलक अकील हैं, इनका मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया और ये जो भी हैं मुझे इंस्टाग्राम पे अपना सारी जो डिटेल है ना वो मुझे सेंड कर दें और आपका जो है ना गिव अवे वो इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ भिजवा दूंगी। मैं आ गई हूँ किचन में, बस थोड़े बहुत ही बर्तन रह गए थे करने वाले और ये जी मुकद्दस की ड्यूटी होती है जो रात को सोने से पहले बर्तन वगैरह धोने वाले होते हैं ना वो मुकद्दस ने धोने होते हैं और बस सिर्फ ये देचका और थोड़े से ग्लास काफी रह गए हैं और कुछ बर्तन वगैरह संभालने वाले हैं वो आप मुकद्दस करेगी और बच्चों को सलाह दिया मलिक साहब जो हैं वो अम्मी को लेके चले गए थे डॉक्टर के पास, वो भी आ गए हैं और ये लियो भी अंदर आ गए देखने के लिए कि ये क्या कर रही है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।